वडोदरा शहर के लोगों को सेवा यज्ञ जो श्रॉफ फाउंडेशन चला रहा है, यहाँ अस्पताल वाली वाइब ही नहीं है, एक बहुत ही बेहतरीन एटमोस्फियर के बीच इस पूरे हॉस्पिटल को बनाया गया है। जिंदगी तो सबको जीनी है, सबको अपना अपना है। मैं रामकृष्ण मिशन की डिवोटी हूँ, इनिशिएटेड डिवोटी हूँ, तो एक चीज जरूर मैं मठ मिशन से सीखी कि कुछ अपने साथ नहीं आने वाला है, सब यही रह जाएगा, अपना शरीर भी यही रह जाने वाला है। यह शरीर जो है वो अपना आत्मा का वाहक है, तो शरीर का उपयोग एक वाहक तरीके से किया जाए, उसको मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना जरूर हम रखें। सेवा है यज्ञ कुंड सा समिधा सम हम जले, पुराणों में इस बात का उल्लेख है जहां सेवा को यज्ञ कुंड के साथ कंपेयर किया गया है और समीधा यानी खुद को समीधा बताया गया है। समीधा सम हम जले यानी समीधा की तरह हम जलकर सेवा के यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे। समीधा का अर्थ होता है यज्ञ में डाले जाने वाली वो पवित्र सामग्री, और जब हम सेवा यज्ञ करते हैं तो हम भी उसी समीधा की तरह जलकर पवित्र हो जाते हैं। वीएनएम टीवी के जरिए अलग अलग सेवा यज्ञ जो वडोदरा में अलग अलग संस्था अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं आप तक पहुंच रहे हैं, और आज ऐसा ही एक बेहतरीन सेवा यज्ञ आपको दिखाने वाली हूं, और उसके लिए सबसे पहले इस खूबसूरत सी प्रीमाइसेस की सैर कर लेते हैं। श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत 1980 में हुई, जो मेरे फादर इन लॉ गोविंद जी श्रॉफ ने किया था। ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वॉज CMD ऑफ एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड द श्रॉफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उनका और ये फैमिली का मानना ये था कि जहाँ जहाँ हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो उसके आसपास के एरिया का डेवलपमेंट हो, उसकी सेवा हो, यह अपनी नैतिक फर्ज है। तो इसकी वजह से ट्रांसपैक इंडस्ट्रीज के साथ श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत हुई। मैं तो श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी भी नहीं थी। उन लोगों की ट्रस्टी मीटिंग हुई जब, तो मुझे बुलाया गया कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप बताइए। मैंने अपने थॉट्स बताए कि मैं तो ऐसे हॉस्पिटल जाऊंगी जहाँ लोग को अपना घर जैसा लगे जी, बिल्कुल, जो वहाँ बिना झिझक के आ सके, और रोगी नारायण की सेवा हमें करनी है। जो हम रामकृष्ण मठ मिशन से, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के टीचिंग से जो सीखे हैं कि शिव ज्ञान से जीव सेवा करनी है, तो ये फिलॉसफी के साथ मैं तो काम करूंगी। तो सब ट्रस्टीज ने बोला कि ठीक है। उस समय ट्रस्ट में कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे जी, कुछ 2 लाख रुपए थे। तो उन्होंने बताया कि हम श्रुति बहन के हाथ में ये पैसे देते हैं, देखेंगे बाद में क्या होता है, इनके विचार तो बहुत अच्छे हैं, तो काम करने देते हैं। यहाँ होता है परम शांति का एहसास। अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक हॉस्पिटल है तो शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कलाली के रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल के परिसर में खड़ी हूँ जहाँ ये ध्यान मंदिर बनाया गया है। जब कोई भी हॉस्पिटल में होता है परिवार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और उन्हीं के लिए रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल जो श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट संचालित है उन्होंने यहाँ ये ध्यान मंदिर बनाया है, और रामकृष्ण परमहंस की पूरी विचारधारा को यहाँ प्रदर्शित करते हुए, उनके आचार विचारों को प्रदर्शित करते हुए ध्यान करने का भी प्रावधान किया गया है। मेरे हाथ में ट्रस्ट दे दिया, बाद में मुझे ट्रस्टी बना दी, मैं तो बहुत डर गई। आई हैव लिव्ड अ वेरी वेरी सिक्योर लाइफ। माय फादर इन लॉ बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो मैं घर गई और मेरे फादर इन लॉ को बताया, गोविंद जी भाई श्रॉफ, कि आज ऐसा हुआ है, मुझे ये सब दे दिया, मैं क्या करूं। तो इतने खुश हो गए
बोले अतुल ने उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा काम आज किया है। क्या बात है, तेरे हाथ में ये ट्रस्ट देकर तो चलो हम कलाली चलेंगे। एंड ही यूज्ड टू कम विद मी टू कलाली। यहाँ कुछ भी नहीं था, ये खराबे की जमीन थी, तो सब उबड़ खाबड़ जी, ऐसे कोई फ्लैट जमीन या कोई इसकी वॉल्स थी या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे तो आता क्या था, बच्चों के साथ खेलना। मैं तो माँ हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलती थी। तो अगर बच्चे होते आते हैं तो उसके माँ बाप पीछे लग रहे थे, आते ही हैं। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि हॉस्पिटल बनने में तो टाइम लगेगा, तो हम सर्विसेज क्यों रोक रहे हैं जी। तो गांव में दो रूम लेके रेंट पे ले लिए और एक छोटा सा क्लिनिक शुरू कर दिया जी। और वहां पे डॉक्टर भावसर एंड डॉक्टर उदवाड़िया, वो भिखाजी उदवाड़िया, वो दोनों बैठने लगे जी। और क्लिनिक शुरू हुआ तो कुछ तो राहत लोगों को मिलेगी ही, बरोड़ा तक नहीं जाना पड़े। बिल्कुल। तो हमने हेल्थ वर्कर्स से हिसाब से महिलाओं को तैयार कर दिया जी। इसमें से हमारा पूरा पब्लिक हेल्थ का काम शुरू हुआ। तो जो फर्स्ट छोटा बिल्डिंग आपने देखा व्हाइट कलर का जी, वो एक बिल्डिंग बना और उसमें दो वार्ड्स और दो स्पेशल रूम्स, एक ऑपरेशन थिएटर छोटा सा जी, और एक लेबर रूम इतना बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो ये हॉस्पिटल का है कि पेशेंट्स को क्वालिटी सर्विसेज एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट मिले। जी, जी। ये कोई कमाने के लिए या सरप्लसेस जनरेट करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल का जो डिजाइन है बहुत यूनिक है। यहाँ आप एंटर होंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप हॉस्पिटल में आए हैं। ये किस तरह से आपने डिजाइन किया और डेवलप किया? पहले तो छोटी हॉस्पिटल थी, उसमें भी आपने देखा कि कोर्टयार्ड है जी। अपनी इंडियन वेदर जो है वो बंद बिल्डिंग्स और कांच की बिल्डिंग्स के लिए नहीं है, और बीच में एक नीम का पेड़ है वहाँ जो पुराना पेड़ था जी। तो हमने पेड़ काटा नहीं, पेड़ के आसपास हॉस्पिटल बनाई। नीम इज सपोज टू क्योर। लोग कहते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी बीमारी हो नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर जब एक्सपांड करने का टाइम हुआ तो मुझे वर्टिकल नहीं जाना था। अच्छा। और मुझे ऐसी हॉस्पिटल चाहिए थी जिसमें कोर्टयार्ड्स हो, लोग आराम से आए जाए बैठे कोर्टयार्ड्स में, बाहर बैठने की सुविधा हो, खाने पीने की भी सुविधा हो। और हमने इस तरह से हॉस्पिटल बनाई, पूरे कैंपस का मास्टर प्लान बना लिया था। तो जहाँ हम बैठे हैं ये बिल्डिंग सबसे पहले बना। अच्छा। तो यहाँ पर हमने थोड़े और डिपार्टमेंट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट्स ऐड किए और काम चला हमारा। जी, जी। This building can go up till 2 floors. Okay. इसके बाद में और एक्सपांशन की जरूरत पड़ी। तो हमारे प्लान के मुताबिक दूसरा नया बिल्डिंग एडजॉइनिंग बनाया। तो काफी जगह हो गई जी। किडनी पेशेंट के लिए डायलिसिस हमेशा ही पीरियोडिकली करना होता है और वो काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल जो श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट संचालित है, यहाँ काफी रियायती दरों पर डायलिसिस किया जाता है और बहुत ही सुचारू रूप से डायलिसिस पेशेंट की केयर की जाती है, जो श्रुति श्रॉफ मैम खुद हमें बताई। हमारे यहाँ हमने 2 डायलिसिस बेड से शुरू किया था, क्योंकि डायलिसिस बहुत जरूरी है और आजकल बाहर इतना महंगा हो गया है डायलिसिस। 1500-2000 रुपये से नीचे कम तो बात होती ही नहीं है पर सिटिंग। आज हमारे पास 16 बेड्स हो गए, 16 मशीन्स हो गए और सब हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो डोनेशन से आता है। इसलिए हॉस्पिटल के ऊपर हम लोन नहीं लेते हैं। अच्छा। तो फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं आती है। बिल्कुल। NABH जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स है उसका सब हमने स्टडी किया जी। तो जो नए थिएटर्स बनाए वो NABH के हिसाब से बनाए। सो टुडे वी हैव द बेस्ट थिएटर्स आई विल से।
NABH स्टैंडर्ड थिएटर्स जी और वी एक्सपेंडेड आवर लैब, बल्कि अभी भी हमारे पास में माइक्रोबायोलॉजी लैब तो नहीं है क्योंकि इतने पेशेंट्स नहीं आते जिसको माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत पड़े। तो टुडे आल्सो वी आर कनेक्टेड विद द टोकरानी लैब्स और अगर ऐसा कोई आ गया तो हम वहाँ भेज देते हैं। मेडिसिन मेडिकल डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजी एंड ओबेस्टेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसके साथ में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये पांच हमारे सबसे बड़े डिपार्टमेंट है। स्किन स्पेशलिस्ट आते हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपी है, ये सब छोटे छोटे तो रहेंगे ही। जी जी। और हमने अपने खुद की फार्मेसी शुरू की। खुद की फार्मेसी शुरू करने का रीजन ये था कि एक तो लोगों को बाहर दवा लेने जाना पड़े तो यहीं से एवरीथिंग अंडर वन रूफ हो जाए। जी। और हमारी फार्मेसी हो तो हम जब वेंडर्स के पास से लेते हैं तो हमें थोड़ा कुछ कमीशन मिलता है। जी, जी। तो उस कमीशन में से फार्मेसी का खर्चा निकल जाए उतना रख के बाकी का हम पेशेंट्स को पास कर सके। तो दवाई थोड़ी, क्योंकि दवाइयां आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा महंगी हैं। महंगी हैं। जी। तो इसके लिए कि हम वो पास ऑन कर सके उनको। तो आज भी जो महंगी दवाइयां हैं जो आईसीयू में वगैरह में यूज होती हैं वो दवाइयों में काफी कमीशन का बहुत ज्यादा ये रहता है, कुशन रहता है, स्कोप है, यस। तो हम वो कुशन निकाल देते हैं तो पेशेंट्स को कम पैसों में वो महंगी दवाएं भी हम दे सके। जी बिल्कुल। और हॉस्पिटल के जो खाने पीने की व्यवस्था है तो वो हमने आउटसोर्स नहीं की है। अच्छा। पहले हमारी एक झोपड़ी में छोटी सी कैंटीन थी जो कैफेटेरिया जैसे लगती थी उसी में हम खाना बना के पेशेंट्स को खिलाते थे, हमारा स्टाफ भी वही खाता था। लेकिन स्टाफ भी बड़ा एक्सपेंशन हुआ तो स्टाफ को खाने का टाइम तो 3 बजे 3:30 बजे आता था। जी। मैंने बोला ये तो गलत है, जब स्टाफ ही ठीक तरह से नहीं, यू डोंट लुक आफ्टर योर स्टाफ तो वो कैसे काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमने कैंटीन एक्सपांड करने का निर्णय लिया। मेरे सद्भाग्य से उसी समय मेरे सासू जी शांति बेन श्रॉफ, उनका सेंटिनरी ईयर था। अच्छा। She was a social worker herself. उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था माटुंगा बॉम्बे में बहनों के लिए खड़ी की है जो आज भी बहुत अच्छी तरह से। अच्छा। और उनको सबको खिलाने मिलाने का बहुत बड़ा शौक था। जी। तो मैंने बोला उन्हीं के सेंटिनरी ईयर में क्यों, उन्हीं का जो सबसे ज्यादा शौक था तो उन्हीं के नाम से क्यों ना कैंटीन बने। जी। तो हमने कैंटीन बड़ी बना ली। उसमें आज हमने 2 किचन रखे हैं। एक पेशेंट किचन हमने अलग कर दिया जहाँ पेशेंट का खाना उसके मुताबिक बने। जी। हर एक पेशेंट को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस प्रकार का खाना मिलना चाहिए, नहीं कि जनरल खाना। जी बिल्कुल। और स्टाफ के लिए, रिलेटिव्स के लिए ऑफकोर्स सेपरेट खाना बनता ही है। जी। और यहाँ हम अपने स्टाफ को भी फ्री में नहीं देते हैं या सब्सिडाइज नहीं देते हैं क्योंकि जो पैसे आते हैं वो पेशेंट्स के लिए आते हैं। क्या बात है। स्टाफ के लिए नहीं। तो हमारे स्टाफ अपने टिफिन ले आते हैं, कैंटीन में बैठ के खाते हैं। अगर उनको कैंटीन में खाना है तो जरूर खा सकते हैं। सुबह कैंटीन को बोल देंगे, कैंटीन उनका खाना बनाएगी एंड दे विल पे फॉर इट। जी जी जी। एट द एंड ऑफ द मंथ उनका हिसाब हो जाता है और वो लोग पे कर देते हैं। अच्छा। फिर चाहे मैं खाऊं, कोई दूसरे ट्रस्टीज आए या हमारे स्टाफ खाएं, वी डोंट ईट फ्री ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं कि भाई अभी मैनेजिंग ट्रस्टी है तो फ्री में खा लेंगे। जी, जी, नहीं जी, ऐसा जी। नहीं क्योंकि वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। जो डोनेशन आते हैं वो डोनेशन जिस काम के लिए आए हैं उसी काम में उसका यूज। बिल्कुल बिल्कुल। मैम कितना आत्मसंतोष महसूस होता है ये सारी चीजें करके। आई एम वेरी कंटेंटेड इन माय लाइफ। ये मैं कहूंगी कि जिंदगी तो सबको जीनी है, सबको अपना अपना है।
मैं रामकृष्ण मिशन की डिवोटी हूँ, इनिशिएटेड डिवोटी हूँ, तो एक चीज जरूर मैं मठ मिशन से सीखी कि कुछ अपने साथ नहीं आने वाला है, सब यही रह जाएगा, अपना शरीर भी यही रह जाने वाला है। यह शरीर जो है वो अपने आत्मा का वाहक है, तो शरीर का उपयोग एक वाहक तरीके से किया जाए, उसको मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना जरूर हम रखें, लेकिन ज्यादा पजेसिव ना हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। माय फादर यूज्ड टू से वेस्ट नॉट एंड वांट नॉट, और ये भी कहते थे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आपका स्वार्थ है, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। तो वो तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि बहुत बचपन से ही ये मेरे हम जो गुजराती में गढ़सूथी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी में से आया। और मेरे भाग्य से मुझे ससुराल में ऐसा मिला जो इसी थॉट्स के थे, तो इस तरह से ये हॉस्पिटल आज काम कर रही है। Our one trustee is Mr. N. Sukumar, mm-hmm. who is running a 200-bedded hospital. जी, जो भी trust hospital है, हैदराबाद में चला रहे हैं। It is called the Shroff Memorial Hospital. Okay. जो हमारी आंटी ने शुरू की थी, she was a doctor. We have trustees who are experts in their field. Fine. और हर एक trustees हमारे साथ में बहुत involved है। तो यह hospital के लिए जो है हमारे trustee N. Sukumar, डॉक्टर आशीष शाह जो यूरोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे ट्रस्टी हैं, डॉक्टर उर्मिल जम्बूसरिया जो हमारे सीनियर फिजिशियन है जी, उनको हमने इस कमिटी पर लिया है, और मैं खुद बैठती हूँ साथ में। सो फोर ऑफ अस इज आर अ स्ट्रेटेजिक कमिटी टू लुक एंड गाइड द टोटल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ डिविजन इटसेल्फ जी, क्योंकि हमारी और भी दो हॉस्पिटलें हैं, एक छोटा उदयपुर में है जो ट्राइबलों के लिए है, एक कच्छ के रण में है बन्नी में होलको गांव में, वो दो हॉस्पिटल का नाम शारदा मेडिकल हॉस्पिटल है, रामकृष्ण के साथ तो शारदा माई हो सकती है, तो वो हॉस्पिटल दोनों है। तो और पब्लिक हेल्थ की 5 यूनिट्स चल रही है अभी, जो गांव-गांव घूम के घर घर जाके लोगों को ठीक रहना सिखाए, जो हमने काम शुरू किया था जी, और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ में उनको जुड़े। तो ये सब 3 हॉस्पिटल्स और ये 5 वैन्स, ये एक डिविजन ट्रस्ट का है। तो इसके लिए ये ट्रस्टियों की एक स्ट्रेटेजिक कमिटी बनी है जो स्ट्रेटेजिकली इस डिविजन को गाइड कर रही है। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं जिनका लॉन्ग स्टे है और उनको नर्सिंग की ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर्स की नहीं, तो उनके लिए भी ये स्टेप डाउन हो जाए। और जो पेशेंट्स कोमा में हो या जिनको टर्मिनल पेशेंट्स हो, पता है कि ये टर्मिनल पेशेंट्स है, इनकी ट्रीटमेंट नहीं होनी है, पैसिव ट्रीटमेंट होनी है, तो उनके लिए हमने एक 10 बेड का वार्ड हमारी पुरानी हॉस्पिटल में शुरू कर दिया है, जहाँ हर रोज के हम सिर्फ 1,000 रुपये लेते हैं। हमारे यहाँ के जो जनरल वार्ड्स हैं उसका प्राइस भी 1,050 रुपीज, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग नर्सिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सिर्फ डॉक्टर्स फीस और दवाई, और अगर कुछ डायग्नोस्टिक्स करने पड़े तो उसके पैसे लगे, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया कि 1,500 रुपए से ज्यादा वार्ड्स में ना हो, क्योंकि वहाँ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो आते हैं। काफी लोग यहाँ ऐसे भी आते हैं जिसके PMJAY कार्ड्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो स्पेशल रूम या सेमी स्पेशल रूम्स में रहे, जिसके पास में इंश्योरेंस है वो भी ऐसा चाहते हैं, तो वो भी है जी, उनके भी चार्जेस हमने जो सेमी स्पेशल रूम्स हैं उसके 1,500 रुपीस चार्जेस रखे हैं इंक्लूसिव ऑफ जी, और स्पेशल रूम के 3,500 चार्जेस है। डीलक्स हमारे पास में एक ही रूम है, क्योंकि हमने बहुत पीछे से जब बिल्डिंग बन गया उसके बाद भी हमने सोचा कि एक डीलक्स रूम भी हो,
तो उसका चार्ज हमने 4000 रुपीस रखा है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ आए जी। इसके साथ साथ हमने दो और चीजें की है, एक हमने वन डे मील का प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, कोई भी उसमें डोनेट कर सकता है। इफ दे डोनेट 6000 रुपीस तो जो डेट उन्होंने दी है उस डेट पे उनके तरफ से खाना मिलेगा। अच्छा, लेकिन खाना किसको मिलेगा? जो जनरल वार्ड में है और जो डायलिसिस पेशेंट्स है जी उनको मिलेगा। डायलिसिस पेशेंट्स को बाहर कहीं खाना नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने जब डायलिसिस पेशेंट्स को उठते हुए देखा तो मेरा हृदय इतने वीक हो जाते हैं, वीक कमजोर हो जाते हैं, बहुत कमजोर रहते हैं, उठ नहीं सकते नहीं सकते। तो मैंने बोला इनको हम इनके हिसाब से खिलाएं जो उनको अलाउड है ऐसा खिलाएं, लेकिन कुछ तो उनके 4 घंटे यहाँ 4 से 5 घंटे डायलिसिस में लगते हैं, एक आधा घंटा घंटा आने जाने में लगता है, तो कितना टाइम वो ऐसे ही रहेंगे जी। उनका तो पानी भी रिस्ट्रिक्टेड होता, होता है, है। तो कम से कम कुछ गर्म उनको खिलाया जाए। तो ये वन डे मील में हम जो खाना देते हैं उसमें सुबह 6 बजे हम जो पेशेंट चाय कॉफी जो पीते हो वो उसके साथ में 4 मैरी बिस्किट्स, फिर 8:30 बजे हम उनको गर्म नाश्ता और 1 ग्लास दूध देते हैं जी। 11 बजे हम उनको फ्रूट्स देते हैं, 12:30 बजे उनका खाना जो प्रिस्क्राइब्ड है वो, फिर 3:30 बजे फिर से चाय कॉफी के साथ में कुछ थोड़ा लाइट नाश्ता, शाम को 6:30 बजे हम उनको सूप देते हैं जी, 7:30 बजे उनको खाना देते हैं और 10 बजे 1 ग्लास दूध देते हैं। काफी लोगों ने मुझे ये पूछा है कि इतना सारा आप क्यों करती हैं, सब हॉस्पिटल इतना नहीं करती है। मैंने बोला यहाँ पेशेंट्स अच्छा होने के लिए आते हैं, तो सिर्फ दवाई इंजेक्शनों से थोड़े ना अच्छे होंगे, उनका न्यूट्रिशन भी तो देखना चाहिए, जो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो हम उसको टर्न अवे नहीं करते हैं। उसके लिए हमने पुअर पेशेंट फंड रखा है जी, तो वो पुअर पेशेंट फंड में से हम उसका खर्चा निकालते हैं। और PMJAY के लिए भी हमने अलग डेस्क बिठाई है, तो किसी को PMJAY का कार्ड करवाना हो तो हमारे यहाँ आ सकते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आए, उनका आधार कार्ड है, उनका राशन कार्ड है और उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लेकर के आए, तो यहीं पर से हम अपलोड कर देते हैं जी, तो कार्ड सीधे उनके यहाँ पहुँचाते हैं। तो इस तरह से ये हॉस्पिटल का काम चल रहा है और भगवान करे हमें ऐसा ही रखे, ऐसा ही काम हम कर सके, दिल से मन से धन से तन से हम सेवा कर सके बस। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हम सब कतराने लगते हैं, अस्पताल जाना किसी को पसंद नहीं होता है और अस्पताल में परिजनों के साथ रहना भी बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है, लेकिन अगर हॉस्पिटल रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल जैसी हो जो श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट चलाता है और ट्रांसपेक्स इंडस्ट्री जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए चलाती है, यहाँ अस्पताल वाली वाइब ही नहीं है, एक बहुत ही बेहतरीन एटमोसफियर के बीच इस पूरे हॉस्पिटल को बनाया गया है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ की जो नर्सिंग है, उन्हें अलग से ट्रेन करके यहाँ प्रोफेशनल अप्रोच बहुत कम दिखता है, अप्रोच दिखता है ह्यूमैनिटी का, मानवता के साथ हर व्यक्ति की यहाँ सेवा हो रही है और सेवा को ही यहाँ तवज्जो दी गई है। साथ ही ना सिर्फ सेवा हो रही है, बहुत रियायती दरों पर सारी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। वडोदरा शहर के लोगों को सेवा यज्ञ जो श्रॉफ फाउंडेशन चला रहा है उससे हमने VNM टीवी के जरिए आपको रूबरू कराया है। VNM टीवी को जरूर देखते रहें क्योंकि हम यहाँ इसी तरीके की बातें करते हैं जो सीधे सीधे आपके लिए लाभदायी हो। VNM का YouTube चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। साथ ही आप हमें Facebook पर देख रहे हैं, Facebook पर भी शेयर कर लीजिए ये सुविधा, ये सेवा यज्ञ
ऐसा है जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 2400 घंटे लगातार देखा जा सकता है। नमस्कार।